नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रॉम केटी प्रो के बारे में। रिसेंटली अपना जो पोको फोन है इसके लिए MIUI 12.6 के ऊपर बेस करके रॉम केटी प्रो का एक नया वर्जन को रिलीज किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ये जो रॉम है दोस्तों, इसे अपना MI 10 प्रो से पोर्ट किया गया है अपने पोको फोन के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना इस तरह की इंटरेस्टिंग कस्टम रॉम वाली वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आके भी आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके हमारे साथ आप बातचीत कर पाओगे। एनीवेज चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, देन माई डिवाइस के अंदर। तो देखिए बारो, यहाँ पर जो अपना रॉम केटी प्रो का वर्जन है वो देख लीजिए। या पर MIUI वर्जन के अंदर एनहांस बिल्ड है, तो ये जो बिल्ड है दोस्तों MIUI 12.6 का एनहांस बिल्ड हमें देने को मिलता है, जो कि Xiaomi EU के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है अपने पोको फोन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है, तो आपको ये जो बिल्ड है MIUI 12.6 एनहांस वर्जन अपना एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देख लीजिए, एकदम लेटेस्ट है। सिक्योरिटी जो पैच अपडेट है हमें यहाँ पर नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिलता है, जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है DHG कर्नल यूज किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नाउ दोस्तों, बात कर लेते इस बिल्ड के बारे में, क्या क्या फीचर्स देने को मिलते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों, एक एनहांस वर्जन है, तो आपको यहाँ पर जो है MIUI की तरफ से अलग से ऑप्टिमाइज देने को मिल जाती है। आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा, एज वेल दोस्तों आपको यहाँ पर एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा, एंड ऑप्टिमाइजेशन भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है दोस्तों एकदम नवंबर का है, तो एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट का जो मजा है वो भी आपको यहाँ पर देने को मिलता है। ये जो बिल्ड है दोस्तों, इसे MI 10 प्रो से पोर्ट किया गया है अपने पोको फोन के अंदर, तो आपको MI 10 प्रो के अंदर जो जो फीचर्स थे ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी। डिफॉल्ट जो कर्नल है आपको यहाँ पर DHG कर्नल देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको जो परफॉर्मेंस है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो अपना बेंचमार्किंग टेस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों फीचर्स की, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके देखने को मिल जाती है वीडियो टूल बॉक्स। सो वीडियो टूल बॉक्स जो है अभी उसे हटा के आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्मार्ट टूल बॉक्स का ऑप्शन। तो स्मार्ट टूल बॉक्स जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऑलवेज शो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। एंड ऑलवेज शो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आप जो अपना गेम से वीडियो एप्लीकेशन से आपको एक ही प्लेस के अंदर देखने को मिल जाएगा स्मार्ट टूल बॉक्स के अंदर। तो स्मार्ट टूल बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से ही डायरेक्टली जो अपना एप्लीकेशन है उसे आप ओपन कर सकते हो, ऐसे कि कुछ इस तरह से आपका जो है ऑटोमेटिकली जो अपना स्प्लिट स्क्रीन है उसके अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों फुल स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ से आप क्लोज कर पाओगे। तो वीडियो टूल बॉक्स जो है वो हमें अभी उसे चेंज करके स्मार्ट टूल बॉक्स नाम दे दिया गया है, वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो है देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। एंड यह सब जो है थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर पाओगे उस, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ये भी देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ से आप चाहो तो लेफ्ट राइट भी कर पाओगे, एंड यहाँ पर जो अपना गेम्स एंड वीडियो एप्लीकेशन है उसे भी ऐड कर पाओगे, तो काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पर जो स्मार्ट टूल बॉक्स का ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है इस बिल के अंदर। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फोन कैमरा असिस्टेंट। तो ये जो फीचर्स है ये भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको दोस्तों बता रहा है जो अपना फोन कैमरा है उसके ऊपर जो लाइट है वो ऑटोमेटिक यूज द फिल लाइट एंड ब्यूटीफाई विथ फ्रंट कैमरा, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। एंड यहाँ पर आप जो ब्यूटीफाई है उसे वीडियो कॉल के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो इस ऑप्शन को भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फ्लोटिंग विंडो का जो सपोर्ट है ऑलरेडी देखने को मिली जाती है। मील ऐप के अंदर AI प्रीलोडिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, नहीं बाकी आपको यहाँ पर जो लाइट मोड है वो देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो आपका नॉच रिलेटेड जो इशू था उसे फिक्स करके दिया गया है। अभी आपको नॉच के अंदर कोई भी जो आइकन है देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद चलते हैं अपना एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ ऑप्शन देने को मिल जाती है, जैसे कि इग्नोर एक्सीडेंटल टच ऑन द एज, तो इस ऑप्शन को भी आप चेंजेस कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिलता है। 30 सेकंड के लिए एक अपनी स्पीकर के ऊपर एक आवाज़ बजेगा, जो भी डस्ट होगा आपके स्पीकर के ऊपर वो मतलब क्लीन हो जाएगा, तो क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर आपको ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है ये भी हमें देने को मिलता है। नाउ ये जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर इसे अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो
फोन में सबको फॉर्मेट डाटा करना होगा, तभी दोस्तों ये जो ऑप्शन है सब यूज कर पाओगे, वरना आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको इस सॉन्ग को इंस्टॉल करने से पहले फॉर्मेट डाटा करके अगर आप इस सॉन्ग को फ्लैश करोगे तभी दोस्तों जो मेमोरी एक्सटेंशन फीचर से दोस्तों इनेबल होकर ढंग से काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, जो कि काफी बढ़िया है। देख सकते हो यहाँ पर हमारे फोन के ऊपर 6GB की रैम है, उसके बाद हमने और 3GB का जो रैम है उस हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आपको 100 मोड भी देने को मिल गया है, क्विक बॉल का ऑप्शन है, LED लाइट है, गेस्चर, शॉर्टकट, ये सभी जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर हमें यहाँ पर सेव बैटरी बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है, यहाँ से आप परफॉर्मेंस मोड को भी एनेबल कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा परफॉर्मेंस सेटिंग काम करने के लिए। यहाँ पर हमें जो एमुलेट कलर का ऑप्शन है वो भी देने को मिलता है, आपको जो कलर है काफ़ी ज़्यादा पॉप देखने को मिलता है, एमुलेट कलर को भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका लॉक स्क्रीन के अंदर जो फिंगरप्रिंट आइकन देने को मिल रहा था उसे रिमूव करके दिया गया है, क्योंकि हमारे फ़ोन के ऊपर तो भाई सब एमुलेट स्क्रीन तो है नहीं, इसलिए एमुलेट स्क्रीन होने के साथ साथ जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो है नहीं, इसलिए जो है उसे रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो है आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको अलग अलग जो है AOD का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर राइज टू वेक आपका ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप, एंड एज वेल जो चार्जिंग एनिमेशन है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, पॉकेट मोड का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए स्मूथनेस, तो आपको काफ़ी अच्छा स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा, जो ऐप ओपनिंग टाइम है वो भी काफ़ी फास्ट है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। उसके बाद आप चाहो तो सिस्टम एप्लीकेशंस को जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के अंदर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो ये काफ़ी बढ़िया है। एज वेल दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। सो आपको इस बिल्ड के अंदर ऑटो ब्राइटनेस के रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, ब्राइटनेस जो है काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो जिस तरह से जो है ब्राइटनेस यहाँ पर काम करता है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्लॉक है, क्लॉक के अंदर आपको जो AM/PM देने को मिल रहा था उसे दोस्तों यहाँ पर हटा दिया गया है, वो आपको यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो कैमरा एप्लीकेशन भी यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर आपको AI जो कैमरा एप्लीकेशन है वो भी देने को मिल जाती है, डायनामिक शॉट्स वो भी देने को मिल जाती है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो HDR AI है उसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर मोड में चलते एंड यहाँ पर आपको दोस्तों टाइम लैप्स, स्लो मोशन, ये सभी जो फीचर्स देखने को मिलता है। नाइट मोड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। प्रो मोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड प्रो मोड के साथ साथ दोस्तों वीडियो के अंदर आपको 4K 60fps का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो देख सकते हो ये सभी जो ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड फोटो की सीरीज की अगर बात करो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से ही यहाँ सब ऑर्डर मार्क को भी अप्लाई कर सकते हो। एज वेल आपको स्मार्ट सेशन का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिलता है, क्विक स्नैप मोड का ऑप्शन भी देने को मिल गया है। एंड ये सब जो फीचर्स है आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ सब कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है उसे भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। इसकी फीचर लेआउट जो है कुछ किस तरह से होगा, कैमरा मोड्स किस तरह से आपको देने को मिलेगा, कलर कौन सा यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, एज वेल जो साउंड है कैमरा का साउंड उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो, ये सभी जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये जो बिल्ड है काफ़ी स्मूथ बिल्ड है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कैमरा 2x के अंदर हमें जो है फुल का सपोर्ट देने को मिल गया है, जितने भी गूगल कैमरा है जो कि हार्डवेयर लेवल सपोर्ट के अंदर फुल को सपोर्ट करता है, कैमरा 2x के अंदर वो काम कर जाएगा इस बिल्ड के अंदर। एंड एज वेल गूगल कैमरा गो भी यहाँ पर हमें देने को मिल गया है, कैमरा गो भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देख सकते हो नया वाला जो UI है वो भी हमें यहाँ पर कैमरा को का देखने को मिल गया है। यहाँ पर हमें डॉल्बी का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिलता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिल गया है इस बिल्ड के अंदर। ये दोस्तों प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हमें देने को मिल जाती है। नाउ कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को हमने रन किया था, जो कि मैं आपको दिखना चाहूँगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर 3DMark के अंदर 1786 का जो है स्कोर देने को मिल गया है वेलकन के अंदर। एंड यहाँ पर देख सकते हो MI 10 Pro यहाँ पर लिखा गया है, जैसे उनको मैंने बोला था ये जो बिल्ड है MI 10 Pro से पोर्ट किया गया है, तो स्कोर जो है 3DMark के अंदर हमें काफ़ी इंप्रेसिव देने को मिल गया है। अगर बात करूँ Geekbench 5 की, तो सिंगल कोड के अंदर 515 देने को मिल गया है, मल्टी कोड के अंदर 1396 है। तो यहाँ पर सिंगल कोड का स्कोर तो काफ़ी बढ़िया है, बट मल्टी कोड का जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया हमें देने को नहीं मिला है, ये चीज़ हमने यहाँ पर जस्ट नोटिस किया है। अगर बात करूँ सीपीयू धारणिंग की, तो यहाँ पर मैक्स गया है 144, एवरेज है 141, मिनिमम है 133। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर सीपीयू मॉनिटर है इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिल गया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है दोस्तों फुल पीक परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पर काम नहीं किया है। यहाँ पर जो है आपको
परफॉर्मेंस जो है इतना बढ़िया देखने को नहीं मिला है इस सीपथोरिंग टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमने मैजिक्स को भी इंस्टॉल किया था, मैजिक हाइट को भी एनेबल कर दिया था। उसके बाद आपका जो सेफ्टीनेट यहाँ पर पास हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो गूगल पे, फोन पे, इस तरह के जो एप्लीकेशन है दोस्तों, विथ हेल्प ऑफ मैजिक्स, जो कि आपको पिटिशन देखने को मिलेगा, उसके साथ जो आपका सेफ्टीनेट है वो पास हो जाएगा। तो ये जो रॉम है दोस्तों, प्री रोल रॉम है, आपको जो मैजिक से आपको पिटिशन देखने को मिल जाती है, आपको अलग से मैजिक्स को यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर फ्लैश नहीं करना होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है अगर आपको रूट पसंद है तो। ना दोस्तों, जो बिल्ड है काफ़ी शानदार है, इस बिल्ड को आप ट्राई करके देख सकते हो। इस बिल्ड का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस बिल्ड को ट्राई करके देख सकते हो। एंड ओवरऑल ये जो रॉम है काफ़ी शानदार रॉम है, काफ़ी बढ़िया है। एंड और एक बार छोटा सा एक बार सीपथोरिंग टेस्ट को जो है रन कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली जो अपना सीपथोरिंग टेस्ट है और एक बार रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर हमें देने को मिला है काफ़ी कम देने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना स्कोर आएगा, यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो एक बार परफॉर्मेंस के अंदर 140 आसपास दिखा रहा है, और नॉर्मली जो है इस रॉम के साथ यहाँ पर हमें 180 के ऊपर देने को मिलता है, बट यहाँ पर काफ़ी कम हमें स्कोर देने को मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया है। एनीवे, इस रॉम को ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।